Heartiest congratulations to Bambla Foundation for its 21st anniversary. Bambla Foundation has been working in so many spheres. But this time I'm very happy that they're working to save the planet, environmental issues, especially thinking of the better use of plastic. I think the tourism industry in Maharashtra, in India and around the world is facing a lot of plastic issue, because we have to be responsible. Tourism is something what the tourism sector wants. That's why all the tourists in the world, I appeal to you all that be responsible. The places you all visit are beautiful. Let the beauty remain. So don't use plastic, or if you litter plastic, put it in the dustbin. ने मेरे बहुत पुराने मित्र हैं आसिफ भामला, और उनका भामला फाउंडेशन एक अरसे से मुंबई में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के फील्ड में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। सबसे पहले आसिफ को और उनके भामला फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज इनका पूरा फंक्शन प्लास्टिक बैन के ऊपर है। हम सब चाहते हैं प्लास्टिक बैन हो, बिल्कुल बैन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग आइलैंड सिटी में रहते हैं और आइलैंड सिटी में समुद्र में जितना प्लास्टिक जाएगा उतना ही हमारे लिए जीवन खराब होता है। सरकार ने प्लास्टिक बैन का एक फैसला लिया, मैं ऐसा सुन रहा हूँ, लेकिन सचमुच मुंबई में अभी प्लास्टिक बैन है ये कहना मुश्किल है, और सचमुच बैन हो जाएगा ये भी कहना मुश्किल है। इसलिए कि मेरा ऐसा मानना है सरकार ने बहुत जल्दीबाजी में बगैर सोचे समझे अनाउंसमेंट कर दिया। लगभग 2500 से ज़्यादा प्लास्टिक की फैक्ट्रियाँ हैं, उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले 2.5 लाख से ज़्यादा कामगार हैं। सभी फैक्ट्रियों ने बैंकों से लोन ले रखे हैं, उनका बिजनेस है, धंधा है, तो बिल्कुल प्लास्टिक बैन करिए। उन कंपनियों को कहिए कि आने वाले 1 साल 2 साल में आप अपनी फैक्ट्री बंद करो, तब कहीं जा करके उन फैक्ट्रियों के ऊपर जो बैंक का लोन है, जो उनका बिजनेस है, वो अपना डाइवर्सिफाई करेंगे, एक दूसरा बिजनेस शुरू करेंगे, और साथ साथ जो मजदूर हैं उनको दूसरी नौकरी ढूंढने का एक मौका दिया जाएगा। अचानक आप कहते हैं कि 1 महीने के अंदर प्लास्टिक बैन करो, उसके बाद 2-3 कंपनी 2-3 अलग अलग कैटेगरी के लोगों को बुला के बोलते हैं कि तुमको 1 महीने की छूट देंगे, तुमको 1.5 महीने की छूट देंगे, ये सब बहुत फिशी है, सैडी है, और कहीं ना कहीं इसमें कुछ गलत दिख रहा है। तो प्लास्टिक बैन होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से किया जा रहा है सरकार की तरफ से, मुझे लगता है कि इससे प्लास्टिक बैन नहीं होगा, शायद इनकी जेब थोड़ी सी भारी हो जाएगी। ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి।